आज की जो वीडियो है वो हमारी इस आई प्रो मैंने एक डिवाइस मंगवाई थी, तो इसकी अनबॉक्सिंग या रिव्यू आप कह सकते हैं मुख्तसर सी वीडियो होगी। आप में से अक्सर के इलम होगा कि मैं कुछ अर्सा पहले चंद महीने पहले मैं गया था लाहौर तो एक कोर्स करने के लिए, वो हमारे सर हैं इंजीनियर सर फारूक नसीर, तो उनके यहाँ में कोर्स करने गया था। तो वो कोर्स था हमारा बेसिकली जो ECU रिपेयरिंग, बल्कि रिपेयरिंग तो मैंने नहीं किया था, ECU की जो प्रोग्रामिंग वगैरह होती है या बाकी जो इससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग होती हैं वो, और की प्रोग्रामिंग वगैरह का उसका कोर्स था। तो उसमें काफ़ी सारी डिवाइसेस के बारे में हमें बताया गया था और उनको ऑपरेट करना, उनके जरिए काम करना। तो उसमें एक बेसिक सी डिवाइस ये थी, तो मेरा भी इरादा था कि मैं अगेन इसको प्रोफेशनली उस काम को स्टार्ट करूँ, तो उसके लिए मैंने कहा ये डिवाइस मैं मंगवा लेता हूँ। तो ये मैंने उन्हीं से मंगवाई। अगर आपको किसी को डिवाइस की ज़रूरत हो तो उनका नंबर मैं वीडियो के अंदर भी शेयर कर देता हूँ, नीचे लिंक को भी मैं शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो उसे रब्ता कर सकते हैं इस डिवाइस के लिए। तो डिवाइस का इसका काफ़ी सारे काम में आते हैं, मैं ज़रा सी इसकी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ें ज़रा दिखाना। ये सबसे पहले इसकी जो सॉफ्टवेयर की सीडी होती है वो इसमें है, फिर ये कुछ प्रॉप्स हैं इसकी, ये मैंने एक्स्ट्रा प्रॉप्स इसके साथ मंगवाई थी, ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी। फिर इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स और केबल्स वगैरह आती हैं, जैसे ये एक OBD केबल है, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इसके साथ आई है। ये इसकी मेन केबल है जो डिवाइस के साथ मिलती है। सबसे पहले तो ऐसी डिवाइस दिखानी थी, ये डिवाइस है हमारी आई प्रो प्लस की, यहाँ से इसकी पावर केबल्स वगैरह लगती है, ये वाली केबल यहाँ पर लगती है और जो लैपटॉप के साथ कनेक्ट होता है PC के साथ, और यहाँ से एक्सटर्नल अगर किसी को आपको 12 वोल्ट देना है तो वो, और इस तरफ से सारे जिसके अडैप्टर्स लगते हैं, मसलन ये लगानी है तो ये यहाँ पे लग जाएगी। इसके अलावा बाकी जो अडैप्टर्स हैं जो इसके साथ आए हैं, मुख्तलिफ किस्म के अडैप्टर्स आते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से अडैप्टर्स हैं। ज़रा इजी कर, ये एक ये अडैप्टर है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, और ये दो चीज़ें जो हैं ये इसके साथ एक आती है IC के लिए बेस आती है। IC की बेसिस की भी इसकी मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से होते हैं, तो ये मैंने एक्स्ट्रा मंगवाई थी, और ये मेरे पास एक और उसके साथ आई थी, तो ये भी मैंने इसके साथ रखी, मेरे काम आ जाती है कभी कभार, यानी जो ई प्रोम वगैरह होती हैं वो रीड करने के लिए, ये भी ई प्रोम रीड करने के लिए यहाँ पर, यानी इसके ऊपर ये बेस वगैरह लग जाती है, ये लगानी हो कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें थी इसके साथ। दूसरा इसके बारे में मुख्तसर साहब को बता दो कि ये किस किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये जो डिवाइस है इसके ज़रिए आप मीटर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ECU में कुछ छोटे मोटी जो चीज़ें हैं, यानी पूरा पैकेज तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक काम ये भी कर देता है। फिर इसके अलावा अगर एयर बैग की प्रोग्रामिंग करनी है, एयर बैग क्रैश हो जाए वो रिमूव करना, इसके अलावा और मुख्तलिफ किस्म के अगर आपने जिस तरह वो EGR और स्टैटिक सेंसर्स वगैरह अगर आपने रिमूव करने वो इसके ज़रिए रिमूव हो जाते हैं, डैशबोर्ड से रिलेटेड हो जाते हैं, मीटर की आपने प्रोग्रामिंग करनी है उसकी रीडिंग वगैरह वो सेट करनी है वो हो जाती है इसके साथ, की प्रोग्रामिंग भी काफ़ी हद तक हो जाती है, इमोबिलाइजर ऑफ करना हो इमोबिलाइजर की प्रोग्रामिंग करनी वो हो जाती है, तो काफ़ी सारे इसके ज़रिए काम हो जाते हैं। तो ये जो मेरे पास अभी आया वो ये V87 है, यानी जो इस वक्त का सबसे जो लेटेस्ट है वो मेरे पास वर्जन है। ये अगर आप में से किसी ने ऑर्डर करनी हो तो नंबर में सर का शेयर कर दे तो उनसे रब्ता कर सकते हैं ऑर्डर करने के लिए। उसके अलावा अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो तो उनके जो इंस्टीट्यूट का पेज है वो और उनका फ़ोन नंबर वो भी मैं साथ अटैच कर देता हूँ, तो वहाँ हर किस्म की EFI से रिलेटेड हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है, और सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती बल्कि प्रैक्टिकल भी समझाया जाता है, प्रैक्टिकल काम भी होता है, यानी उनकी इंस्टीट्यूट के साथ वर्कशॉप भी है, वहीं पर आप सीखते हैं, वहीं पर आप काम करके भी सीखते हैं और थ्योरी भी सीखते हैं, तो सब कुछ इसमें होता है। तो यही थी हमारी मुख्तसर सी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।